चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे को बता दो, आवाज आ रही है क्या मेरी? निकिता, यस आवाज आ रही ना अच्छे से? सर, दिखाई भी दे रहा है? यस सर, यस ठीक है, अब सब अपनी अपनी जो वॉइस है उसको म्यूट कर लो, आवाज बंद कर लो। अनिल आवाज बंद करो, आवाज अनिल, अनिल मीणा, देखो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक लेने से पहले, मैं पहले कुछ बातें रिवाइज करना चाहता हूँ इसी चैप्टर की जो हमने पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा सबसे पहले मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, ठीक है, फिर मिश्रण के जो तीन प्रकार थे, निलंबन था, कोलाइडल था और एक था सामान्य विलयन, उनके बारे में पढ़ा। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि दैनिक जीवन में काम आने वाले कोलाइडी विलयन कौन कौन से हैं, तो वो तो था चैप्टर का एक अलग पढ़ाव। अब चैप्टर का सेकंड पढ़ाव मैं चालू कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो चैप्टर तो सेकंड ही है लेकिन उसका सेकंड पोर्शन, और ये अपने आप में बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। याद करो जब मैंने तुम्हें सामान्य विलयन के, निलंबन के, कोलाइडल के गुण बताए थे ना, पांच पांच। पहला कैसे, पहला क्या बताया था कि किस प्रकार के मिश्रण है, कणों का आकार क्या होता है, क्या हम इनको आंखों से देख सकते हैं, क्या क्या इनमें से प्रकाश के पथ को गुजारा जा सकता है, क्या ये स्थायी विलयन है या अस्थायी, और सबसे लास्ट वाला था ना कि इनको कौन सी विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। नोटिस करना मेरी बात को बेटा, सुनना ध्यान से। सबसे लास्ट वाला पॉइंट मैंने ये बताया था ना कि कुछ विशेष प्रकार के विलयनों को हम हाथ से हटा सकते हैं, कुछ को रासायनिक विधियों के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है और कुछ को रासायनिक विधियों के द्वारा हटाया जा सकता है, तो उसी को लेकर ये पॉइंट है कि बेटा आपका ध्यान कहां पर रही है? नानू राम क्या, आप सामने देखो, क्लास में ध्यान दो और ये वीडियो बंद करो। अनिल वीडियो बंद करो, अनिल मीणा, देखो तो जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था ना, देखो एक बार बता ही देता हूं मैं, कोई भी जो विलयन होता है ना, विलयन वो किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो ये जो विलय और विलायक है, इन्होंने किसको तैयार किया? विलयन को। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और जो पढ़ने जा रहे हैं ना वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। हम पढ़ने वाले ये हैं कि कैसे इस विलयन में से विलय को हटाया जा सकता है, कैसे इस विलयन में से विलायक को अलग किया जा सकता है। मतलब विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। इस विलयन को हम मिश्रण बोल सकते हैं कि नहीं? विलयन बोल दो या मिश्रण बोल दो। तो मिश्रण के घटक कौन से हुए? मिश्रण के घटक हुए विलय प्लस विलायक। देखो ये मिश्रण, मिश्रण बोलो या विलयन बोलो, अब मिश्रण के घटक, मिश्रण किससे मिलकर बना हुआ है? मिश्रण विलय और विलायक दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये दोनों हो गए मिश्रण के घटक, एक तो विलय और एक विलायक। तो मिश्रण के इन घटकों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? कोई भी मिश्रण है, कोई भी विलयन है, उसमें विलय को कैसे हटाए, विलायक को कैसे हटाए, यही चीज पढ़ने जा रहे हैं, यही हमारा टॉपिक। चाहो तो टॉपिक देख सकते हो आप, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटक ये दोनों हैं, इन दोनों को हम कैसे अलग करेंगे, विलय को कैसे अलग करेंगे और विलायक को कैसे अलग करेंगे, ठीक है? तो हमारी हेडिंग क्या हो गई? हेडिंग है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ठीक है, नोटिस करना आप। अब ये भी सुन लो, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, इसमें कम से कम भी हमें 9 या 10 विधियां पढ़नी है, 9 या 10 विधियां स्टडी करोगे आप तो काफी टाइम लग जाएगा इनके अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि हमारा सिलेबस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि दैनिक जीवन में भी, डेली लाइफ में भी हमारे काम में आती है, तो इन पॉइंट को, इन क्लासेज को मिस मत कर देना। ये सारी विधियां पढ़नी है आपको, कम से कम भी कितनी विधियां हैं? 10, ठीक है? तो 10 विधियां कौन कौन सी है देखो मैं गिनवा देता हूँ एक बार तुम्हें, या फिर मैं ऐसे करता हूँ ना, वन बाई वन एक एक को वैसे ही उठा लेता हूँ, अभी मैं 10 लिखूंगा, मैं टाइम बहुत ज्यादा लगता हूँ। तो पहली विधि कौन सी है? किसी स्याही में से, किसी स्याही में से रंग को
अलग करना, किसी स्याही में से रंग को अलग करना। देखो सुनो, हेडिंग क्या है, किसी स्याही में से रंग को अलग करना। अब स्याही तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं, स्याही का मतलब है इंक। इंक सब जानते हैं, इस मार्कर में भी इंक डलती है, पेन में भी इंक आती है, और इंक कई प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग कलर्स में होती है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है, या और ग्रीन है, कई प्रकार की इंक आती है। तो वो जो इंक है ना, इंक, उस इंक में से रंग को कैसे अलग किया जाए। फिर आप बोलोगे सर इंक तो खुद ही रंग है। इंक खुद रंग नहीं है, इंक में कलर मिक्स होता है। लाल रंग की स्याही कहते ना, लाल स्याही तो नहीं बोलते ना, लाल रंग की स्याही, काले रंग की स्याही, नीले रंग की स्याही, तो स्याही में रंग मिला होता है। स्याही के अंदर क्या मिक्स होता है, रंग। तो इस स्याही में मिले हुए रंग को क्या करना है, हमें अलग करना है। देखो जैसे मैं कहूं कि ये एक मिश्रण बन गया, ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया। अब मिश्रण दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो यहां पर हमने मिश्रण किसका लिया, हमने मिश्रण लिया है स्याही का। मिश्रण किसका लिया, स्याही का। अब स्याही के अंदर विलय तो कौन है, स्याही का मिश्रण। स्याही में विलय तो है स्याही खुद, और विलायक कौन हो गया, रंग। विलायक कौन हो गया, रंग, स्याही का मिश्रण। तो स्याही खुद क्या हो गई, विलय, और स्याही में पाया जाने वाला रंग क्या हो गया, विलायक। इन दोनों को अलग करना है, स्याही को अलग करना है, रंग को अलग करना है। यही तो हेडिंग है, देख लो, किसी स्याही में से, किसी स्याही में से रंग को अलग करना, किसी स्याही में से रंग को अलग करना। अब ये कैसे करोगे, हमारे पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्तियां है नहीं, या हम कोई ऐसी टेक्निक जानते नहीं। वो बोले सर ये तो मैं हाथ से अलग कर दूंगा, ये ले इंक और ये ले कलर, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो, थोड़ा सा, क्योंकि इस चीज को समझोगे ना तब इसको आप बहुत बेटर तरीके से समझ जाओगे, ऐसे कैसे तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली मजा आ जाएगा पढ़ने का। देखो कैसे, नोटिस करना बेटा। एक तो मैंने बताया था सामान्य मिश्रण, सॉरी सामान्य विलयन। एक क्या बताया था, निलंबन। तीसरा क्या बताया था, कोलाइड। कोलाइड, कोलाइड, कोलाइड। अब इसके पांचवें पॉइंट पर जाओ आप, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा, ओनली हमें अटैक करना है कौन से पॉइंट के ऊपर, पांचवें पॉइंट के ऊपर। पांचवा पॉइंट ये था कि देखो ये भी मिश्रण है, विलयन और मिश्रण एक ही बात होती है, चाहे मिश्रण बोल दो चाहे विलयन बोल दो, ठीक है, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है। पहला ही पॉइंट था कि किस टाइप का मिश्रण है, सामान्य, उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है, ये भी मिश्रण, ये भी मिश्रण, ये भी मिश्रण। अब आप सोचो इन तीनों में से वो कौन सा मिश्रण है जिसको हम बिल्कुल इजीली अलग कर सकते हैं, वो कौन सा मिश्रण है जिसको हम हाथों से अलग कर सकते हैं, कोई रासायनिक विधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और वो मिश्रण कौन सा था, निलंबन। मैंने बताया था, समझाया था कि निलंबन को हम आराम से अलग कर सकते हैं, मतलब निलंबन के जो घटक है ना, निलंबन मिश्रण के जो घटक है, विलय और विलायक, उनको हम बहुत इजी तरीके से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल हमें कोई छलनी लगाने की आवश्यकता नहीं है, गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल हाथ से अलग कर सकते हैं उनको, ठीक है। ये तो था निलंबन, और एक ऐसी भी विधि थी जिनको हाथ से अलग नहीं कर सकते लेकिन उनको रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा अलग, हमें कोई ना कोई, कोलाइड, वेरी गुड बेटा, कौन सा, कोलाइडर, ठीक है। और इनमें से एक ऐसा भी था जिनको किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो सामान्य विलयन को जब हम अलग ही नहीं कर सकते तो इसका, इसकी तो बात ही खत्म, ठीक है। निलंबन को हम हाथ से अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो बात ही खत्म। बचा कौन, कोलाइडल। तो ये जो कोलाइडल है ना, कोलाइडल जिसको हम रासायनिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ये कोलाइड ही है। स्याही का जो मिश्रण होता है ना, स्याही का मिश्रण, स्याही एक प्रकार का कोलाइड है। तो स्याही में मौजूद स्याही को और उसमें मौजूद रंग को हमें हटाने के लिए कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा, हाथ का तरीका तो लग नहीं पाएगा, इनको हटाने के लिए हमें तरीका लगाना पड़ेगा रासायनिक विधि वाला, रासायनिक विधि वाला, क्योंकि स्याही ना निलंबन है ना विलयन है, ये क्या रह गई, कोलाइड। और कोलाइड को हटाने के लिए कौन सा तरीका, रासायनिक विधियां यूज की जाती है, ठीक है। अब देखो कैसे स्याही के मिश्रण को अलग करते हैं, समझना, एक एक्सपेरिमेंट है पूरा, जबरदस्त मजेदार, ऐसे कैसे समझ में आएगा। देखो
सबसे पहले लेना हमें एक बीकर, सबसे पहले क्या लेना है, छोटा सा बीकर, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें लेना है एक बीकर, ये बीकर ले लिया और इस बीकर में भर दो पानी। इस बीकर में क्या डालना है, वाटर, पानी। एक बीकर ले लिया और बीकर में क्या भर दिया, पानी। ऐसे लिखना भी जरूरी है, आप किस कोई भी डायग्राम बनाओ, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, तो डायग्राम का नोमेनक्लेचर जरूर होना चाहिए, नाम जरूर आना चाहिए उसका, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा, जल। जब तक आप ये नाम नहीं लिखोगे तब तक पता ही नहीं लगेगा कि बीकर है कि इसमें पानी है। क्या जरूरी है कि पानी इसमें चाय भी भरते, दूध भी, छाछ भी, तो लिखने से पता लगेगा ना। इसलिए किसी भी कोई भी जब आप डायग्राम बनाते हो ना, साइंस का डायग्राम, तो नाम लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आप नाम नहीं लिखोगे ना तो मैं नंबर काट दूंगा। नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये बीकर है और ये इसमें क्या भर दिया, जल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें एक वॉच ग्लास, अरे आवाज किसने चालू कर रखी है, बेटा आपको मना कर रखा ना कि आपकी आप वॉइस नहीं आनी चाहिए, पूरी वीडियो क्यों ऑन कर रखा है आप लोगों ने। अनिल बंद करो इसको, ऐसे क्लास होती है क्या, डिस्टरबेंस कितना होता है बताओ। देखो सबसे पहले बीकर, बीकर में डाल दिया पानी, अब हमें लेना है एक वॉच ग्लास। क्या लेना है, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास का मतलब होता है प्लेट के जैसे आता है, और वॉच ग्लास की साइज इतनी होनी चाहिए जो इस बीकर को कवर कर सके, मतलब बीकर को ढक सके। तो इस बीकर के ऊपर हमने क्या रख दिया, एक वॉच ग्लास। बीकर के ऊपर क्या रख दिया, ये वॉच ग्लास है। ढक दिया, बीकर के ऊपर वॉच ग्लास रख दिया, ये वॉच ग्लास है। बीकर, बीकर में डाला पानी और बीकर को ऊपर से ढक दिया, वो ढका है किससे, है वॉच ग्लास से ढका है। अब हमें क्या करना है, इस वॉच ग्लास के अंदर जिस शाही के मिश्रण को आप अलग करना चाह रहे हो वो शाही डाल दो। अगर आपके पास लाल रंग की शाही है तो लाल रंग वाली डालो, काले रंग वाली शाही है तो काले वाली डाली, नीले वाली शाही है तो नीले वाली डालो। मान लो हमारे पास नीले रंग की इंक है, ये लो, ये हमने यहाँ पर डाल दी नीले रंग की इंक, नीले रंग की शाही, नीले रंग की शाही, ठीक है। देखो यहां पे लिख देता हूं, वापस देखो, बीकर, बीकर में पानी, पानी को उसको ढक दिया ऊपर किससे, वॉच ग्लास से, और इस वॉच ग्लास में हमने क्या डाल रखा है, नीले रंग की शाही, नीले रंग की शाही। अब ये जो नीले रंग की इंक है ना, यही मिश्रण है, इसमें से नीला रंग अलग करना है और शाही अलग करनी है, नीला रंग अलग करना है, शाही अलग करनी है, बस वही हम पढ़ रहे हैं, वही हमारा मैटर है, वही पढ़ने का मेथड है। देखो अब करना क्या है, यहाँ से करना यही है, जो भी एसेसरी है, जो भी सामग्री है वो हमने सारी ले रखी है, पूरी ले ली है। अब इस पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दो, इस पानी को गर्म करना स्टार्ट, ये लो, नीचे से पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म। ये क्या हो गई, ज्वाला। अब सुनना ध्यान से, यहां से मेन पॉइंट चालू हो जाता है, जैसे ही पानी को गर्म करना शुरू करेंगे तो इस बताओ, इस पानी की गर्मी सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी, बीकर के पास। इस पानी की गर्मी गई सबसे पहले यहां पर, यहां से गर्मी किसमें गई, इस पानी में। तो धीरे 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 ये देखो, सॉरी बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, इसको पूरा नहीं भरना है, बीकर को पानी से पूरा नहीं भरना है, मैंने ज्यादा पानी डाल दिया,
यहां तक, ठीक है, मतलब आधे से थोड़ा सा ही ज्यादा, इतना ही रखना है। तो इसको जैसे हमने गर्म करना स्टार्ट किया, सबसे पहले गर्मी किसके पास गई, बीकर के पास, किसके पास गई, बीकर के पास, फिर गर्मी किसमें गई, पानी में, फिर किसमें गई, पानी में। जैसे ही गर्मी पानी के अंदर जाती है तो ये पानी क्या होगा, जैसे ही पानी को आप तापमान देते हो, पानी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब पानी क्या होगा, यहाँ से गर्म, गर्म होना स्टार्ट हो गया ना पानी, तो जैसे ही पानी गर्म होगा यहाँ से क्या निकलेगी, भाप, ये तो भाप है ना, गर्म भाप, गर्म भाप। जैसे ही हमने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, पानी गर्म हो गया, क्योंकि पानी को गर्म करते हैं तो पानी द्रव है, किसमें चेंज हो जाता है, वाष्प में, और इस विधि को क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण। पहले बात हो चुकी थी हमारी, ठीक है, तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा ये पानी हो गया गर्म, और पानी से निकलने लग गई गर्म भाप, पानी से क्या निकलने लग गई, गर्म भाप। अब ये भाप है ना, भाप ये किससे टकराएगी, ये भाप टकराएगी वोच गिलास से, भाप किससे टकराएगी, वोच गिलास से जाके टकराएगी। जैसे ही भाप वोच गिलास से जाके टकराएगी तो ये वोच गिलास भी क्या हो जाएगा, गर्म, वोच गिलास भी क्या हो जाएगा, गर्म। तो जैसे ही वोच गिलास गर्म होगा, अब ये जो इंक का मिश्रण है ना, मिश्रण, जैसे ही वोच गिलास गर्म होगा, ये जो शाही का मिश्रण है, तो ध्यान रखना, नोटिस करना, इस शाही के मिश्रण में से विलायक उड़ जाएगा। देखो मिश्रण दो चीजों से बना होता है, विलय प्लस विलायक, तो ज्यादा मात्रा किसकी होती है, विलायक की, और विलायक ज्यादातर क्या होता है, पानी, तो यहां से विलायक उड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये गर्म होगा यहां से विलायक उड़ गया, और विलायक कौन था, रंग, रंग, विलायक कौन था, रंग। बताओ इस वोच ग्लास में क्या बच गया, शाही, शाबाश, इस वोच ग्लास में क्या बच गई, शाही, और शाही विलायक है कि विलय है, विलय, विलय हो गया ना, मिश्रण अलग हो गया ना, देखो विलायक तो उड़ गया, रंग तो उड़ गया, और जो विलय था, विलय ठोस है, ठोस उड़ नहीं सकता, ठीक है, इसको उड़ाने के लिए तो बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या मतलब, हमें अलग करना था, हो गया, विलायक को अलग कर दिया, विलय को अलग कर दिया, अर्थात रंग को अलग कर दिया और शाही को अलग कर दिया, हो गया हमारा काम। यही टारगेट था कि किसी शाही के मिश्रण में से, देखो किसी शाही के मिश्रण में से रंग को अलग करना, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो इंक है, शाही है, वो तो है विलय, और जो रंग था वो क्या था, विलय। तो इस प्रकार हमने किसी शाही के मिश्रण में से रंग और शाही को क्या कर लिया, अलग कर लिया। देखो वापस बताता हूँ, बीकर ले लो, बीकर में पानी डाल लो, उसके ऊपर रख दो वोच ग्लास, और वोच ग्लास में जिस भी रंग की शाही आपको अलग करनी है वो डाल दो। हमने यहाँ पे कौन सी शाही ले रखी है, नीले रंग की। पानी को गर्म करना स्टार्ट करो, पानी जैसे ही गर्म होगा पानी किसमें चेंज होगा, भाप में, भाप जाके टक्कर मारेगी किसके ऊपर, वोच ग्लास के ऊपर, तो वोच ग्लास भी क्या हो जाएगा, गर्म। अब वोच ग्लास गर्म होगा तो उसके अंदर जो इंक पड़ी है वो भी तो गर्म होगी ना। अब जैसे ही इंक गर्म होगी उसमें जो विलायक है, जो पानी की तरह है, रंग पानी की तरह है, वो उठ जाएगा, और उठकर उड़ जाएगा, और उस वोच ग्लास में क्या बच जाएगा, शाही बच जाएगी, जो ठोस है, किस रूप में है, विलय के रूप में। तो इस प्रकार विलायक अलग कर लिया और विलय को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। आ गया समझ में, आया कि नहीं, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते थे मेरे से कि सर इस वोच ग्लास को डायरेक्ट गर्म क्यों नहीं किया, इस वोच ग्लास को हम डायरेक्ट भी तो गर्म कर सकते थे ना। देखो ये वोच ग्लास किससे गर्म हो रहा है, भाप से, वोच ग्लास भाप से ही गर्म हो रहा ना, तो इस बीकर को हटाकर हम डायरेक्ट इस वोच ग्लास को क्या दे सकते थे, ज्वाला, तो वहां से भी तो उसमें से कलर क्या हो सकता था, उड़ सकता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्हाई, क्यों, क्योंकि सुनना ध्यान से, देखो जो भाप जाके टकरा रही ना इससे, तो भाप का तापमान कम है, भाप का तापमान कम है इस ज्वाला के, ये तो बहुत ज्यादा आग है, ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है जिसने पानी को उबाल दिया। तो ये अगर हम इसको डायरेक्ट वोच ग्लास पर अप्लाई करते, डायरेक्ट इस ज्वाला को अगर वोच ग्लास के ऊपर दे पाते, तो ज्यादा तापमान में वो शाही और वो विलायक जो रंग था वो अलग हो ही नहीं पाते, क्योंकि अधिक तापमान में वो शाही भी उड़कर उसके साथ चली जाती, क्योंकि तापमान ज्यादा रह गया ना। तापमान तो इतनी खतरनाक चीज है कि वो लोहे को भी पिघला सकती है, तापमान तो डायमंड को भी क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, उबाल सकता है।
तो बताओ अगर हम ज्यादा तापमान देते हैं यहाँ पे, ज्यादा तापमान, तो अधिक तापमान पर तो शाही भी विलायक के साथ क्या हो जाती, उड़ जाती, और वो ग्लास में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए हमने ये तरीका अपनाया कि क्यों ना इस वोच ग्लास को कम तापमान दिया जाए, कम तापमान दिया जाए, ताकि धीरे धीरे उसमें से क्या निकलता रहे, विलायक निकलता रहे। इस प्रकार हमने शाही के मिश्रण में से रंग और शाही को अलग कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अब तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन करूं? यस सर। क्वेश्चन ये है कि बताओ इस शाही के मिश्रण में से रंग और शाही को हमने कौन सी विधि के द्वारा अलग किया है? बताओ कौन सी विधि के द्वारा अलग किया? सर कोलाइड। कोलाइड कौन सी विधि के द्वारा हमने मिश्रण और शाही, सॉरी रंग और शाही को अलग किया है? वाष्पीकरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? वाष्पीकरण। सबको ही पता है, कोई भी बता सकता है, वाष्पीकरण तो हो रहा है यहाँ पे, गर्म कर रहे हैं, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण को आप वाष्पन भी कह सकते हो, वाष्पीकरण को वाष्पन भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं इवोपोरेशन। आवाज बंद करो, आवाज देखो, देखो तो एक विधि तो कंप्लीट हो गई, किसी शाही में से रंगों को क्या कर लिया अलग। तो अभी तक तो 9 विधियां पढ़ी है, ऐसे में बहुत सारी विधियां पढ़नी, 10 में से अभी तक हमने सिर्फ एक विधि कंप्लीट की है। तो विधि नंबर 2 यानी कि मेथड नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। विधि नंबर 2 क्या है? देखो ध्यान देना, सेकेंड विधि है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि, अपकेंद्रीकरण विधि, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। अब ये विधि क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। किसी वृत्ताकार पथ पर, किसी वृत्ताकार पथ पर अपकेंद्रीकरण मशीन को, किसी वृत्ताकार पथ पर अपकेंद्रीकरण मशीन को घुमाकर, अपकेंद्रीकरण मशीन को घुमाकर मिश्रण में से विलय एवं विलायक को पृथक करना अब केंद्रीकरण विधि कहलाती है। अब केंद्रीकरण विधि ओके। एक बार डेफिनेशन पर नोटिस करो और डेफिनेशन को पढ़ो, मनी मन में पढ़ना है और ध्यान देना है। तुम भी पढ़ो, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता हूं। पढ़ क्या रहे हैं, विधि नंबर 2, दिमाग में क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, कि मिश्रण के घटकों को कैसे पृथक किया जाता है, किसी भी मिश्रण में से विलय और विलायक को कैसे पृथक किया जाता है। विधि नंबर 2 का नाम क्या है, अपकेंद्रीकरण विधि। और क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्ताकार पथ पर जहां जहां पर मेरा मार्कर जा रहा है ना, नोटिस करते चलना, किसी वृत्ताकार पथ पर। चलो देखो, किसी वृत्ताकार पथ पर अपकेंद्रीकरण मशीन को घुमाकर मिश्रण में से विलय एवं विलायक
को पृथक करना, विलय एवं विलायक को पृथक करना अब केंद्रीकरण विधि कहलाती है। देखो ध्यान देना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये विधि हम रोजाना करते हैं, हमें पता ही नहीं, ये विधि हम रोजाना करते भी हैं और करते हुए देखते भी हैं, और अपने घर के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही। चलो मैं बताता हूँ, छाछ होते हुए देखा ना, घर पे छाछ होते हैं, छाछ कैसे होती है, देखो छाछ हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। कभी देखा हो आपने छाछ का जो बर्तन होता है और वो जो दही का मिश्रण है उसके अंदर एक मशीन लगा देते हैं हम, फिर वो मशीन ऐसे गोल गोल वृत्ताकार पथ पर घूमती है कि नहीं घूमती है, घूमती रहेगी, और थोड़ी देर में क्या होगा, छाछ नीचे रह जाएगी, मक्खन ऊपर आ जाएगा, छाछ नीचे और मक्खन ऊपर आ जाएगा। बताओ क्या पहले जिस ये मशीन लगाने से पहले उस दही के मिश्रण में मक्खन ऊपर था क्या? तो इस मशीन ने मक्खन को अलग कर दिया और छाछ को अलग कर दिया, तो बताओ मिश्रण के घटक पृथक हुए कि नहीं हुए, हो गए ना आराम से। तो वही तो बता रहा हूँ, किसी वृत्ताकार पथ पर, अब केंद्रीकरण मशीन को घुमाकर, वृत्ताकार का मतलब होता है गोल गोल, किसी वृत्ताकार पथ पर अब केंद्रीकरण मशीन, और अब केंद्रीकरण मशीन वो होती है जो छाछ करने वाली होती है, या और जो मशीनें जो वृत्ताकार पथ पर घूमती है उनको अब केंद्रीकरण मशीन बोलते हैं, को घुमाकर मिश्रण में से विलय, विलय का मतलब हो गया मक्खन क्रीम कुछ भी, ठीक है, और विलय का मतलब छाछ को पृथक करना क्या कहलाता है अब केंद्रीकरण। या अगर मान लो मशीन आपने नहीं देखा होगा, अगर मैं थोड़े से टाइम पहले की बात करूं, तो जैसे हमारी माता जी की बात करूं, हमारी दादी जी की बात करूं, तो वो हाथ से छाछ करती थी, वो किससे छाछ करती थी, हाथ से। तो वो जो एक लकड़ी का बना हुआ उपकरण आता था वो तो अब केंद्रीकरण मशीन हो गई, और वो ऐसे ऐसे घुमाती थी उसको, ऐसे ऐसे छाछ बिलोना कहते हैं उसको। तो बताओ वृत्ताकार पथ पर क्या हो रही है, मशीन घूम रही है, और उसको क्यों घुमाया जा रहा है, क्योंकि हमें मिश्रण को अलग करना है, हमें छाछ अलग चाहिए और हमें मक्खन अलग चाहिए, तो दो पदार्थों को हमने अलग कर दिया। तो ऐसे वृत्ताकार पथ पर अगर कोई मशीन को घुमाया जाता है ना, इस विधि को बोला जाता है अपकेंद्रीकरण विधि। जैसे मान लो ये कोई छाछ का बर्तन है, ठीक है, ये छाछ का बर्तन है और इसमें ये मिश्रण है किसका, दही का, कई का मिश्रण है ये, दही का, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर ये मशीन डाल दी गई, और ये मशीन इसके अंदर डाल दी गई ऐसे। अब बताओ जैसे ही हम इस मशीन को करेंगे, ये ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूमेगी कि नहीं घूमेगी, ये मशीन इस वृत्ताकार पथ पर घूम रही है ना, ऐसे घूमते रहेगी वृत्ताकार पथ पर, और इस पूरे मिश्रण के अंदर हम दो चीजें अलग कर लेंगे, एक तो छाछ और एक मक्खन। तो छाछ को आप मान सकते हो विलायक, और मक्खन को क्या मान सकते हैं हम, विलय। ऐसे अगर वृत्ताकार पथ पर किसी मशीन को घुमाया जाता है और किसी मिश्रण में से अगर आपको दो चीजें अलग होती नजर आती है, तो ऐसे विधि को क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि। और ये कोई जरूरी नहीं इस विधि को हम छाछ में ही काम में ले, कई प्रकार के मेथड में, कई प्रकार के कार्यों में ये विधि काम में आती है। इस विधि का उपयोग कहाँ पर है वो भी मैं आपको गिनवा दूं, इस विधि के उपयोग बोल दो या अनुप्रयोग बोल दो, उपयोग या अनुप्रयोग, ध्यान देना नोटिस करना। पहला पॉइंट, डेयरी उद्योग में, डेयरी उद्योग का मतलब है दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, जैसे मावा, पनीर, छाछ, मक्खन, मलाई, क्रीम, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, दूध में से मलाई निकालना, ठीक है, दूध में से क्रीम निकालना, दूध में से दही अलग करना, छाछ अलग करना, दूध में से मक्खन निकालना, ये जितने भी प्रोडक्ट है इन सबको डेयरी उद्योग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेयरी उद्योग। और इस डेयरी उद्योग में से जो ये प्रोडक्ट अलग होते हैं, जैसे दूध से क्या निकालना, क्रीम, ठीक है, दही के मिश्रण से क्या निकालना, मक्खन, पनीर, इन सबका निर्माण कौन सी विधि के द्वारा होता है, अपकेंद्रीकरण विधि। दूध से क्रीम कैसे निकल जाती है, ऐसे हमारे पास कोई वो तो है नहीं, टेक्निक तो है नहीं कि दूध में से हमें सर की ऐसे हाथ डुबाकर हम क्रीम निकालेंगे, हो सकता है क्या ऐसा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस विधि के लिए, दूध में से क्रीम निकालने के लिए हमें ये वाली विधि लगानी पड़ेगी। तो इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है, डेयरी उद्योग में, सबसे ज्यादा इसका यूज कहां पे हो रहा है, डेयरी
उद्योग के अंदर, ठीक है। दूसरा उपयोग रक्त की जांच में, रक्त में अल्कोहल की, रक्त में अल्कोहल की मात्रा चेक करने में, नंबर तीन मूत्र में से, एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं, मूत्र में से हानिकारक पदार्थों को अलग करने में। अब नोटिस करो, ध्यान देना, डेयरी उद्योग में ना मैंने बताई दिया ना, डेयरी उद्योग में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डेयरी का मतलब है दूध के जितने भी प्रोडक्ट है, हम दूध से क्या क्या बना सकते हैं, दूध से क्रीम बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, मलाई निकाल सकते हैं, इनको कैसे बना सकते हैं, इसके लिए एक विधि अपनानी पड़ेगी ना, उसके अंदर वर्ताकार पथ पर मशीन घुमानी पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं, अब केंद्रीकरण वही पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला उपयोग कहां पर काम में आया, डेयरी उद्योग में। दूसरा आप नोटिस करोगे, रक्त में अल्कोहल की मात्रा चेक करने में, रक्त में अल्कोहल की मात्रा चेक करने में, मान लो कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, या अगर किसी ने शराब पी है कि नहीं, जैसे कोई शराब पी लेता ना, ऐसे कि इसने अल्कोहल पी लिया, अभी इसकी बॉडी में कितना अल्कोहल है, तो कई ऐसे कहते हैं कि नहीं मेरी बॉडी में अल्कोहल नहीं है कोई, तो वो हम चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसे केस हो जाते हैं कि किसी की बॉडी में अल्कोहल को चेक करना होता है, ठीक है, कि इसकी शरीर में कितना अल्कोहल है या शरीर के अंदर कितनी शराब गई है, तो उस अल्कोहल का भी पता लगाया जा सकता है। कौन सी विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, ठीक है, रक्त में अल्कोहल की मात्रा। अब कैसे पता लगाया जाता है, तो जो अल्कोहलिक है, जिसने अल्कोहल लिया है, जिसने शराब पी है, उसकी बॉडी से ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसकी बॉडी से क्या लिया जाता है, ब्लड का सैंपल। अब जो खून है ना, खून, उसी खून में मिक्स है अल्कोहल, वो अल्कोहल किसमें मिक्स है, आवाज बंद करो, देखो कोई भी अल्कोहलिक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, हमें ये चेक करना है कि इसके शरीर में अल्कोहल है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे, चेक करने के लिए हमें उसकी बॉडी से ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा, खून निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा खून, क्योंकि अल्कोहल किसमें मिक्स है, खून में मिक्स है, तो उसकी बॉडी से खून निकाल लिया जाता है। खून निकाल कर उसको अपकेंद्रीकरण मशीन में, हॉस्पिटल के अंदर जो लेबोरेटरी होती है ना, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसमें खून डाल दिया जाता है ऐसे, फिर वो ऐसे घूमेगी उसके अंदर, उस मशीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, ब्लड डाल दिया, खून डाल दिया, और उस खून के अंदर अब वो अपकेंद्रीकरण मशीन क्या होगी, घूमती रहेगी, और घूम घूम कर उस रक्त में से अल्कोहल को क्या कर देगी, अलग कर देगी, अल्कोहल को क्या कर देगी, रक्त में से अल्कोहल को क्या कर देगी, अलग कर देगी। इस प्रकार हम किसी भी अल्कोहलिक व्यक्ति के रक्त में अल्कोहल की मात्रा को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और पता लगाया जा सकता है कि कितना ml हमने ब्लड निकाला था, इस ब्लड में कितना अल्कोहल पाया गया, तो अल्कोहल की मात्रा का भी पता लगा सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति में अल्कोहल की उपस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये तो था पहला मेथड, और ये है दूसरा मेथड। तीसरा देखो, मूत्र में से हानिकारक पदार्थों को अलग करना, जैसे कई बार किसी की बीमारी होती है ना, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका यूरिन टेस्ट ले लेता है, कि थोड़ी सी डिब्बी आती है उसके अंदर थोड़ा सा यूरिन ले लिया जाता है उसका। अब उस यूरिन के अंदर कौन कौन सी बीमारी मौजूद है, उस यूरिन में कौन कौन से कण है, ऐसे तो पता लगेगा नहीं, उसको मशीन में डालना पड़ेगा, और कौन सी मशीन में डालना पड़ेगा, अपकेंद्रीकरण मशीन में। उस मशीन में क्या होगा कि अपकेंद्रीकरण मशीन के जो पार्ट्स है वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ पर घूमेंगे, ऐसे घूम घूम कर उस मूत्र के अंदर, उस यूरिन के अंदर जितनी भी हानिकारक चीजें हैं उनको क्या कर देगा, अलग कर देगा, और एक रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी कि आपके यूरिन के अंदर कितनी सारी अशुद्धियां या कितनी सारी गंदगी मौजूद है। तो बताओ, ये सारे के सारे अनुप्रयोग थे किसके, अपकेंद्रीकरण विधि के, किसके, अपकेंद्रीकरण। एक डेयरी उद्योग है, एक रक्त में अल्कोहल की मात्रा है, और एक है 10-25
क्यों मेरी ड्यूटी लगी है? अब तो क्लास तो लूंगा ना पहले, पता है मैं। ये लो, तो ये अनुप्रयोग है कौन सी विधि के? आप केंद्रीकरण विधि के। एक बार मेरे को बताना समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा निकिता, ऐसे कैसे समझ में आ रहा ना? आ गया अनिल, आ गया, आ गया समझ में? आवाज तो खोल ले। ठीक है, तो बताओ कितनी विधियां पढ़ ली हमने? दो विधियां, एक एक अपकेंद्रीकरण विधि और एक किसी भी शाही के मिश्रण में से रंग को अलग करना। ठीक है, अब देखो विधि नंबर तीन, तो तीसरी विधि तो अभी हो नहीं पाएगी क्योंकि टाइम हो चुका है, 3-4 मिनट और बच रहे हैं। तो दो मेथड हमने पढ़ लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, दो दो विधियां सीख ली हमने। एक विधि किसी भी शाही के मिश्रण में से रंग को कैसे अलग किया जाता है, तो वो तो था वाष्पीकरण विधि के द्वारा। कैसे किया जाता है उसके लिए आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझाना पड़ेगा, वॉच ग्लास वाला। दूसरा अगर क्वेश्चन आए अब केंद्रीकरण विधि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन डालनी है, अब केंद्रीकरण विधि के द्वारा किस किस को, या अब केंद्रीकरण विधि के अनुप्रयोग क्या है, या अब केंद्रीकरण विधि का उपयोग कौन से क्षेत्र में है, उसके लिए आपको क्या समझाने पड़ेंगे, ये वाले अनुप्रयोग। ठीक है, अभी भी बहुत सारी विधियां बाकी है, कम से कम 7 या 8। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, जब भी नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे सामने आएगा, उसमें ये मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ाऊंगा जितनी भी विधियां बच रही है। ठीक है, हो गया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर।